जितना डेडलिफ्ट का था वेट, उन्होंने रोलिंग भी मार दिया और क्या मार दिया लास्ट वाला। हाँ बस अगर चल के घर पहुंच पाए तो वो लेग मारने का मतलब नहीं है कि नहीं, राइट? समझ गए? यू बेटर अंडरस्टैंड। सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज क्या हुआ ना, आज मेरा क्या बोलते हैं ओट्स खत्म हो गया। तो ओट्स खत्म हो गया तो जुगाड़ देखो, ये इसको है पफ राइस। उसमें मैंने क्या किया ना, थोड़ा केला डाल दिया, वे प्रोटीन डाल दिया और अपना पीनट बटर डाल दिया और मस्त खा रहा हूँ भाई, जो टेस्ट बना है ना। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए मेरे को कमेंट में बताओ, मैं दो एक मिनट में बना दूंगा, वो बहुत आसान है और चुम्मा लगता है। तो आज क्या करने वाले, आज करने वाले हम लोग बैक का वर्कआउट और जाने वाले जिम। देखते कोई मिलते हैं कि ना, अगर मिलता है तो उनके साथ वर्कआउट कर लेंगे, नहीं तो अकेले करेंगे। तो जाते हैं जिम और जिम जाने के बाद मिलता हूँ, चलो टाटा। तो फॉर्चुनेटली देखो मेरे को जिम में कौन मिला, हाई बोल दो, हाई बोल दो। मेरे को मैं सोचा आज अकेला करूँगा लेकिन ये मिल गई, तो ठीक है अभी इसके साथ ही करने वाला हूँ। अभी मैं भी बैक मारने वाला हूँ, वो भी बैक मारने वाली है, लेकिन मेरे को बहुत आलस आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सिस्टम फाड़ देंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरे को बैक का इशू है, तो मैं ना डेडलिफ्ट मार सकता हूँ, ना टीबन मार सकता हूँ, ना बेंड ओवर रो मार सकता हूँ। तो मैं ज़्यादातर वर्कआउट ना मैं पुलअप मारता हूँ। तो मेरा टोटल 9 सेट है 10-10 रेपिटेशन का, तब जाके मेरा वर्कआउट चालू होता है। तो अभी मारते हैं पुलअप, उसका तो रोइंग चालू हो गया लेकिन मेरा है पुलअप, तो चलो चालू करते हैं पुलअप। और कम से कम 10 या 9 सेट तो मारनी है, मतलब 90 रैप तो मारना ही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे चलते हैं पुलअप पे। ये देखो कौन आया है जिम में, तुम क्या मानने वाले हो वैसे, हैं? अच्छा हाँ, लेग तो मार रही, मैं अंधा बन गया एक्चुअली। तो लेग मारो, हम मारते हैं लेग। तो इसके बाद अपन को मारना है अपना लैट पुल डाउन, ये ऐसा इसे बोलते हैं लैट पुल डाउन। देखो मेरा लैट पुल डाउन, तब अपन को भी मारना है लैट पुल डाउन और अपन मारेंगे रिवर्स लैट पुल डाउन। क्यों ऐसी, मेरे को मजा आता है लैट पुल डाउन में, तो चलो मारते हैं रिवर्स लैट पुल डाउन। लेग का क्या हाल है? क्यों लेग मार के अच्छा लगा, तो लेग मार के मतलब क्या है ना? अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा? लेग मार के अगर अच्छा नहीं लगा तो लेग मारने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब लेग मार के ऐसा फटना चाहिए ताकि फट रहा है बहुत, घर ना पहुंच पाओ, घर ना पहुंच पाओ, ठीक है ना? तो अगर चल के घर पहुंच पाए तो वो लेग मारने का मतलब नहीं है कि नहीं, राइट? समझ गए? यू बेटर अंडरस्टैंड। जो मेरा डेडलिफ्ट का था वेट, उन्होंने रोलिंग भी मार दिया और क्या मार दिया लास्ट वाला। हाँ बस इमोशनल डैमेज। लास्ट का पार्ट मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत चिल्ला चिल्ले हो रहा था और वहाँ पे लोग भी ज़्यादा आ गए थे और वो भी चली गई थी, तो लास्ट का पार्ट मैं शूट नहीं किया, तो उतना ज़्यादा वर्कआउट किया भी नहीं। तो नहा धो के मैं हो गया तैयार और अभी जा रहा हूँ मैं पूजा देने, क्योंकि आज है अपना ट्यूसडे और हनुमान पूजा मैं हर ट्यूसडे को देता हूँ। तो अभी चलते हैं मंदिर और देते हैं हनुमान पूजा, लेट्स गो। जय बजरंग बली की जय।
भाई वर्कआउट करने के बाद इतना पसीना नहीं आया, पूछा तो इतना पसीना आ गया, तो पसीने से पूरा गीला हो चुका हूँ, तो अभी भूख भी बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, बहुत गंदा वाला भूख लगा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा लंच करता हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ भूख के मारे। तो क्या सीन है कि उस टाइम के बाद मेरे को वीडियो शूट करने का कोई मन नहीं कर रहा था, और पूरा दिन मैं इतना ज़्यादा कुछ किया भी, उसके बाद सो गया। रात को बजे अभी 11 और मेरे को बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, और अभी दूध पी के मैं सीधा सोना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और दबा के सब्सक्राइब करना है, और मेरा वीडियो सबके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करो, ताकि अपने दोस्तों को बता सको कि वीडियो आ चुका है। और तो अभी दूध पीता हूँ क्योंकि रात को दूध पीना जरूरी है। तो मिलता हूँ रिव्यू में, अंटिल देन मस्त खाओ, फिट रहो, मिलता हूँ रिव्यू में, बाय बाय।